हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2017 की हॉट समर नाइट्स एक क्राइम ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक टीनेज लड़का ड्रग्स सेल करने लग जाता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब उसकी ग्रीड बढ़ती जाती है। आज की हमारी जो मूवी है एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवीज की सेटिंग 90s की है। इसका म्यूजिक, ओवरऑल इन्वायरमेंट इसे वन ऑफ द बेस्ट मूवीज बनाता है। अगर आपको इस मूवी की लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे ले सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डैनियल, ये बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा है। रात का समय था और उसके साइड से आने वाली गाड़ी उसे दिखी नहीं। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये स्टोरी 3 months बिफोर के इवेंट से स्टार्ट होती है। समर आ चुका था, फिर भी डैनियल बहुत ही दुखी था। उसके फादर की अभी अभी डेथ हुई थी। मदर आज सेमेटरी जा रही थी। डैनियल अपने रूम में डिप्रेस बैठा था। उसकी मदर ने उसे समझाने की कोशिश की कि पूरा समर तुम्हारा ऐसा ही जा रहा है। उसकी मदर चाहती है कि डैनियल मूव ऑन करे, पर वो करने के लिए रेडी नहीं है। मदर फादर की ग्रेव को विजिट कर रही है तो इसे भी लेकर जाना चाहती है। डैनियल के डैड एक परफेक्ट आदमी थे, एक अच्छे डैड, एक अच्छे हस्बैंड, और सब लोग उसे पसंद करते थे। अपनी कंट्री को भी उन्होंने सर्व किया था। फादर के जाने के बाद डैनियल बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उसके फादर ने उसे बहुत सारे म्यूजिक रिकॉर्ड्स लाकर दिए हुए थे। उसे लगा कि अगर वो मूव ऑन करना चाहता है तो इस सब रिकॉर्ड्स को उसे जला देना है। उसने ये किया और पूरे घर को आग लग गई। डैनियल की मदर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि डैनियल को बहुत ही हेल्प की जरूरत है, इसीलिए उसने ये सब किया था। जब मदर और डैनियल दोनों फादर की ग्रेव को विजिट करने के लिए आते हैं, तब मदर कहती है कि पूरा समर तुम्हारी एंड के साथ गुजारने वाले हो। डैनियल को ये पसंद नहीं आया। मदर ने कहा कि तुम्हें भी तुम्हारे फादर जैसा बनना चाहिए, एक अच्छा आदमी डैनियल को बनना चाहिए। इसके बाद हमें डैनियल के एंड का टाउन दिखाया जाता है। इस टाउन में समर सबसे ज्यादा हॉट हुआ करता था। बड़े बड़े सिटीज में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बाय करके रखी थी। जब भी समर आता था तो सब लोग यही आ जाते थे। सी शोर पर बहुत सारे मजे चलते थे। टाउन का नाम केप कॉड था। ये 1991 की बात है। इस टाउन के लोगों की दो कैटेगरीज थी, जो यहाँ के लोकल थे और कुछ रिच लोग जो अपनी सिटी से यहाँ आते थे। डैनियल इन दोनों में से कोई भी नहीं था। एक दिन टाउन में पार्टी चल रही थी, उसी पार्टी में डैनियल पहुंचा। उस पार्टी में भी उसे आउट ऑफ द प्लेस लगा। वो बाहर आ गया और वहां पर उसने हंटर को देखा। हंटर हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। नॉवेल्स में, टीन मूवीज में जिस तरह से अल्फा मेल दिखाए जाते हैं, उसी तरह से हंटर है। टाउन में भी उसे सब लोग वही समझते हैं। देखने में हंटर रिच लगता है, तो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो अमीर लोग इस टाउन में समर के लिए आते हैं, उन्हें हाई होना बहुत ही अच्छा लगता है। जनरली ये सब लोग वीड स्मोक करते हैं। इनका सप्लाई हंटर ही है। हंटर एक ऑटो सर्विस में काम करके वही सब लोगों को सेल करता है। हंटर के बारे में बहुत सारी रूमर्स भी है। वो एक प्लेबॉय है, उसने एक आदमी को मार डाला था। इस तरह की अजीब अजीब बातें उसके पीछे की जाती है। हंटर इस टाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। डैनियल ने टाउन में एक समर जॉब ले लिया है। एक दिन हंटर उसके पास आता है और उसका वीड उसे छुपाने के लिए कहता है। वहां पर पुलिस आ रहे थे। डैनियल अपने कैश काउंटर में उसे छुपा देता है। डैनियल ने हंटर को हेल्प की तो हंटर डैनियल को हाई होने के लिए इनवाइट करता है। एक पार्टी में डैनियल ने हंटर के साथ पहली बार नशे किए और उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन गए। एक दिन ओपन पार्किंग थिएटर में डैनियल मूवी देख रहा था। उसके सामने एक कपल की गाड़ी थी जिनका झगड़ा हो रहा था। कपल में से लड़की गाड़ी से बाहर निकली और डायरेक्टली डैनियल के कार में आकर बैठ गए। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कायला। कायला ने डायरेक्टली डैनियल से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। कायला एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है। टाउन में सब लड़के उसके प्यार में है। उसके पीछे वो इतने पागल है कि उसका झूठा गम भी खाने के लिए रेडी है। फिर से हम सीन की तरफ मुड़ते हैं। कायला को मनाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड कार तक आता है, पर कायला डैनियल को कहती है कि जल्दी से आ चलो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। डैनियल फिर कार निकाल लेता है। डैनियल कायला के साथ बहुत ही नर्वस है। उसे क्या बात करनी है कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे देखकर सिर्फ वो स्माइल करता है। कायला भी देखकर हंसने लग जाती है। उसे वो बहुत ही अनफनी ऑकवर्ड जोक सुनाता है। कायला भी इस पर बहुत हंसती है। वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है। जाते जाते कायला डैनियल का नाम पूछती है। कायला आगे जा रही थी तो डैनियल भी चिल्लाकर उसका नाम पूछ लेता है। कायला डैनियल को उसका नाम नहीं बताती। डैनियल को कायला बहुत ही पसंद आई थी। जब वो दूसरे दिन हंटर के साथ बीच पर बैठा हुआ होता है तो वो कहता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की मुझे दिखी, मैं कल से सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह से उसने मुझे देखा उससे मैं पागल हो गया। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे कायला का नाम भी पता नहीं है। हंटर पूछता है कि वो रहती कहाँ थी। डैनियल जब उसे बताता है तो हंटर फिगर आउट करता है और उसे कहता है कि वो मेरी सिस्टर ही थी। हंटर और कायला की अब अच्छी रिलेशनशिप नहीं है।
कायला जल्दी से इस टाउन से दूर जाना चाहती है। हंटर डैनियल को कहता है कि उसके बारे में सोचना भी मत। डैनियल भी इसके लिए मान जाता है। हंटर के सामने डैनियल कुछ भी नहीं है और मार खाने से उसे बचना है। यहाँ डैनियल हंटर से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। हंटर जिस तरह से अच्छे पैसे कमाता है, डैनियल को भी उसी तरह से कमाने हैं। हंटर भी इसके लिए मान जाता है और डैनियल को सब कुछ सिखाता है। डैनियल अब थोड़ा बहुत सेल करने लग चुका है, तो एक दिन जब ये बैठे हुए होते हैं तो डैनियल कहता है कि हमें और भी सेल करना चाहिए, इनमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, इन्हें ही ज्यादा हमें अपसेल करना चाहिए। हंटर को डैनियल का एंथुसियाज्म अच्छा लगता है। इनका काम सही से चल रहा था, पर डैनियल को एक दिन एक पुलिस सार्जेंट रोक लेते हैं। उसके कार में वीड था तो वह बहुत ही डर चुका था। सार्जेंट ने डैनियल से बात की और उसे इनडायरेक्टली वो बताकर चले गए कि अगर वो इसी तरह से सब कुछ काम करता रहा तो बहुत ही गलत जगह पर वो पहुंच जाएगा, उसका एंड सही नहीं होगा। इस क्लोज इनकाउंटर के बाद डैनियल बहुत ही डर गया। उसने हंटर से बात की और कहा कि मुझे जेल में नहीं जाना है। वो बहुत ही डरा हुआ है, तो हंटर उसे कहता है कभी भी तुम जेल में नहीं जाओगे। जिस सार्जेंट से तुमने बात की वो मेरे पीछे बहुत सारे सालों से है, वो मेरे अगेंस्ट अब तक कुछ भी कर नहीं पाया, कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता। थोड़े दिन सब कुछ सही चलता है तो डैनियल फिर से हंटर से कहता है कि हमें और भी कुछ बड़ा करना चाहिए। और वो पर्सनली थोड़ा थोड़ा वीट सेल करते हैं, पर उन्हें और एक बड़ी टीम चाहिए, और भी उन्हें बड़ा सप्लाई चाहिए। हंटर कहता है कि यह सब बहुत ही रिस्की है, हम यंग है तो हमें कोई भी ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा। डैनियल ने एक जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर एक सप्लायर था, उसके पास जाकर वो बहुत सारा वीट लाने वाला था। हंटर को भी वहाँ वो लेकर गया। यह सप्लायर पार्टी कर रहा था तो डैनियल भी उसके पास पहुंचा। उससे उसने बात की और कुछ वीड मांगा। सप्लायर को लगा कि उसे सिर्फ स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा, पर डैनियल ने जब कहा कि उसे पूरी बैग चाहिए तो इस सप्लायर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया। उसे लगा कि डैनियल पुलिस के लिए काम करता है। ये सप्लायर डैनियल को मारने वाला था, पर उसे सेव करने के लिए हंटर वहां पहुंच गया। सप्लायर को हंटर ने इंजोर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल और कायला फिर से एक शॉप में मिलते हैं। कायला डैनियल को नोटिस करती है और पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। डैनियल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कायला उसके पास आती है और फ्लर्ट करती है। वो कहती है या मेरी सनस्क्रीन तुम स्मेल कर सकते हो। डैनियल कहता है कि हाँ। वो एक लॉलीपॉप खा रहा था। कायला ये टेस्ट कर फिर से उसे वापस दे देती है। अब वो वहां से जा रही है तो डैनियल कहता है कि संडे को फायरवर्क्स है, या तुम वहां जाने वाली हो। कायला कहती है कि शायद जाऊंगे, और वहां से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल जब घर वापस जा रहा था तब एक वैन ने उसे रोक लिया। जबरदस्ती उसे उठाकर वो लेकर गए। इस वैन में हंटर भी था। डैनियल और हंटर को वो एक डाइनर पर लेकर जाते हैं। जिन लोगों ने इन्हें उठवाया है ये गैंग के लिए वीड सप्लाई का काम करते हैं। जब हंटर ने सप्लायर को मारा तब उनकी नजर में ये आ गए। गैंग के आदमियों में एक का नाम डेक्स है। डेक्स इनसे कहता है कि जो भी वीड तुम्हें लगेगा ये सब हम तुम्हें सप्लाई करेंगे। ये इन दोनों के लिए बेस्ट है क्योंकि इन्हें जरा कम प्राइस में मिलेगा और ये अच्छा सा सेल भी कर पाएंगे। डेक्स उन्हें कहता है कि तुम्हें जितना भी चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, पर मुझे पेमेंट टाइम पर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तब तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल मैं करूंगा। डैनियल भी इसके लिए मान जाता है। फर्स्ट टाइम में ही वो 5 pounds मांग लेता है। इतना कभी भी उन्होंने हैंडल नहीं किया था। हंटर डरता है। वो कहता है कि हम इतना कैसा सेल करेंगे। डैनियल बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअल में डैनियल का एक थोड़ा सा क्रेजी कजन था। वो खुद नशेड़ी था तो उसके एरिया में हर एक नशेड़ी को जानता था। डैनियल ने उसे प्रोडक्ट सप्लाई किया और सब कुछ उसने सेल कर दिया। इसके बाद इनके बिजनेस का रॉकेट लॉन्च हो जाता है। बहुत सारे पैसे कमाते हैं, स्पोर्ट्स कार बाय करते हैं, पब्लिक में और भी डिमांड बढ़ता जाता है और ये सप्लाई करते रहते हैं। अब संडे आता है, ये फायरवर्क्स का दिन है। कायला देखने आने वाली थी। डैनियल भी यहाँ पहुंचता है। कायला को स्टोर में एक पाउडर नहीं मिल रही थी, डैनियल ये उसके लिए लेकर आया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। डैनियल ने उससे थोड़ा सा फ्लर्ट किया, पर कायला का बॉयफ्रेंड वहां आ गया। डैनियल वहां से जा रहा था पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। बॉयफ्रेंड के सामने ही उसने कायला को किस कर लिया। इसके लिए बॉयफ्रेंड के हाथ से वो मार भी खाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लड़कियां डाइनर में थी। इन ग्रुप में से एक लड़की का नाम है एमी। हंटर भी यही था और बहुत टाइम से उसे ही वो देख रहा था। हंटर फिर उसे अप्रोच करता है। एमी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हंटर बोलता है कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं है, अगर तुम ज्यादा भाव नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ये दोनों फिर डेट पर जाकर कपल बन जाते हैं। एक दिन डैनियल मूवी देखने के लिए आया हुआ था, वहां उसे फिर से कायला मिलती है। कायला उसके फ्रेंड्स के साथ होती है। उसे कहती है कि तुम अपने आप को समझते गया हो। डैनियल ने जो किया इसके लिए सॉरी कहकर वो टॉयलेट चला जाता है। थोड़ी देर में कायला भी उसके पीछे आ जाती है, उसे पैशन से किस कर वहां से चली जाती है। इसके बाद कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि हंटर और एमी दोनों कपल बन चुके हैं, अलग अलग प्लेसेस जाते हैं, मजे करते हैं।
उसी तरह से डैनियल और कायला के भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है। हंटर को एक दिन पता चला कि कायला को किसी ने जबरदस्ती किस किया। डैनियल को ये बात उसने कही। हंटर ने कहा कि अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके बहुत ही बुरा हाल में करूंगा। ये डैनियल ही था तो बहुत ही डर जाता है। एक दिन डैनियल और कायला ये दोनों गाड़ी में हाई हो रहे थे। डैनियल ने कहा कि अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मैं सब कुछ लाकर दे सकता हूँ। कायला को ज्यादा ड्रग्स करने अच्छे नहीं लगते। कहती है क्या तुम हंटर को जानते हो। डैनियल कहता है कि नहीं, एक दो बार हम मिले होंगे। वो फिर उन दोनों ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मेरी मदर को पता चल गया था कि हंटर ड्रग्स सेल करता है। उसकी वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। उसके बाद मेरी मदर को कैंसर हुआ। वो एक ही चीज चाहती थी, हंटर ड्रग्स सेल करना छोड़ दे, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने मदर की विश कभी भी कंप्लीट नहीं की और मदर की डेथ हो गई। उसे गिल्टी महसूस होता है, इसीलिए हर मंथ वो पैसे छोड़ कर जाता है। कायला कभी भी उसके पैसे यूज नहीं करती। इसके बाद और कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि डैनियल और हंटर इनका बिजनेस और भी बढ़ चुका है। इनके पास पैसों से भरी हुई बैग आने लग जाती है। एक दिन डैनियल और कायला एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में वो दोनों गेम आर्केड आए हुए थे। वही हंटर एमी को भी लेकर आया। डैनियल और कायला ने प्रिटेंड किया कि एक दूसरे को नहीं जानते। हंटर और कायला एक दूसरे से बात नहीं कर पाए और ऑकवर्ड होकर कायला वहां से चली गई। आगे चलकर डैनियल कायला को पिकअप करता है। कायला कहती है अगर उसे पता चला तो तुम्हें वो मार डालेगा। हंटर की गर्लफ्रेंड एमी हर रात अपने रूम से बाहर निकलकर उसे मिलने के लिए जाती थी। एक दिन उसके फादर को शक चला गया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये फादर और कोई नहीं तो पुलिस सार्जेंट ही है। इसके बाद सार्जेंट हंटर को समझाने के लिए उसके शॉप में आते हैं। उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ तुम चलो। एक बार के बाहर उसे वो लेकर आते हैं। यहाँ हंटर के फादर ड्रंक होकर पड़े हुए है। सार्जेंट हंटर को समझाते हैं कि तुम्हारे फादर ने पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। तुम जो भी कर रहे हो अगर तुम वैसे ही करते रहे तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। तुम एक स्मार्ट लड़के हो, चाहो तो बहुत सारी अच्छी चीजें तुम कर सकते हो। हंटर कहता है कि वो लाइफ मेरे लिए नहीं है, कॉलेज जाना, जॉब करना, ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता। सार्जेंट फिर उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। सार्जेंट और हंटर के फादर ये जब यंग थे तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। ये दोनों भी मिलकर इलीगल चीजें करते थे। एक दिन बड़ा ट्रबल हो गया, इनपे सीरियस चार्जेस लगने वाले थे, तो हंटर के फादर ने पूरे चार्जेस खुद पर ले लिए। उन्होंने सार्जेंट को बचा लिया, इसीलिए सार्जेंट ने फिर अपनी लाइफ को सही से सुधारा। वो हंटर के फादर को हमेशा के लिए थैंकफुल है, इसलिए हंटर को हेल्प करना चाहते हैं, पर हंटर सुनने वाला नहीं। हंटर को कहते हैं कभी ना कभी तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। हंटर कहता है कभी भी मैं जेल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हंटर डिटरमाइंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल और कायला एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर डैनियल अब उसे आई लव यू बोलने वाला था। कायला उसे रोक लेती है। वो कहती है कि समर को एंड हो जाने दो, अगर तब भी तुम ये बात करना चाहते हो तब तुम करना। एक दिन डैनियल हंटर से बात करता है। वो कहता है कि हम जो वीड वगैरह सेल करते हैं हमारा नेटवर्क तो बहुत ही स्ट्रांग बढ़ चुका है, हमें हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। वो कहता है कि मैंने और एक सप्लायर ढूंढ लिया है। हंटर कहता है कि और एक सप्लायर, हमारे पास तो एक अच्छा सप्लायर है। डैनियल कहता है कि नहीं, अब मैं कोकेन की बात कर रहा हूँ। हंटर ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है। उसे स्ट्रिक्टली कहता है कि ये सब नहीं चलेगा, अगर हमारे सप्लायर को पता चला कि हम उसे डबल क्रॉस कर रहे हैं तो हमें वो मार डालेगा। डैनियल मानता नहीं। वो कहता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हंटर उसे वार्निंग देता है, तुम्हें जो भी करना होगा वो तुम करो, पर अगर कोई गड़बड़ हो गए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। हंटर को अपनी सिस्टर कायला के साथ उसकी रिलेशनशिप सही करनी है। वो एक रात उसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि तू मुझे माफ कर दो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कायला कहती है ड्रग सेल करना छोड़ दो। हंटर पहले थोड़ा सा सोच रहा होता है पर इसके लिए मान जाता है। जब रात आती है तो कायला बैग लेकर हंटर के पास आ जाती है। ये दोनों ब्रदर सिस्टर अब इस टाउन से चले जाने वाले है, एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले है। जब वो यहाँ पहुंचती है तो डैनियल को नोटिस करती है। डैनियल ने उसे कहा था कि उसके ब्रदर को नहीं जानता। फिगर आउट कर लेती है कि डैनियल ड्रग सेल करता है। उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसके प्लान्स वो कैंसिल करती है। हंटर ने डैनियल को कहा था कि उसे और कोई डील नहीं करनी चाहिए, पर डैनियल मानने वाला नहीं। उसके नए कोकेन के सप्लायर के पास वो पहुंच जाता है। ये सप्लायर उसे प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए बोलता है। डैनियल उसे जब टेस्ट करता है तो सप्लायर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने अभी अभी जो लिया बेबी फॉर्मूला था, मैं तुम्हें कुछ भी सेल नहीं करने वाला। तुम्हारा प्रीवियस सप्लायर बहुत ही डेंजरस आदमी है, उसे अगर पता चला कि तुम यहाँ आए हुए थे तो बहुत ही बुरा होगा। डैनियल के सब पैसे वो ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं देता। इवेंचुअली सप्लायर को पता चल ही जाता है, अब उसकी लाइफ खतरे में है। सब पैसे वगैरह लेकर वहां से भाग जाना चाहता है। आज एक बड़ा तूफान आया हुआ है। डैनियल हंटर के पास उसे वार्न करने के लिए जाता है।
हंटर कहता है ये जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, कभी भी फिर से वापस मत आना और मेरे सिस्टर के बारे में सोचना भी मत। डैनियल कहता है मुझे एक बार उससे मिलना है और यहाँ से मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। डैनियल स्पीड में जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट होता है। ये वही एक्सीडेंट है जो मूवी के फर्स्ट में हमने देखा है, इसमें उसे ज्यादा चोट नहीं आती है। पैरेलल में हम देखते हैं सप्लायर यानी कि डेक्स हंटर के पास आ चुका है। डेक्स हंटर से पूछता है कि डैनियल कहाँ है और वो डैनियल को मार डालने वाला है। हंटर डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। डेक्स उसे कहता है कि तुम्हें जो भी मालूम होगा मुझे बता दो वरना बहुत बुरा होगा, पर हंटर फिर भी नहीं मानता। इसके बाद डेक्स हंटर को मार डालता है टाउन से बाहर निकल जाने के लिए। जब कायला हंटर के पास पहुंचे तो हंटर की बॉडी ही उसे मिली। उसके बाद अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो अकेले ही चली गई। डैनियल का एक्सीडेंट हो चुका था तो कायला से वो मिल नहीं पाया। उस रात जो तूफान आया उसने पूरे टाउन को तहस नहस कर दिया। डैनियल को पता था कि कायला के लिए वो सही नहीं है तो उसने कभी भी उसका पीछा नहीं किया। उसके बाद वो भी इस टाउन से गायब हो गया। वो कहा गया ये किसी को भी पता नहीं है। यही मूवी एंड हो जाती है। डैनियल की ग्रीड की वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड का मर्डर हो गया। कायला को हमेशा के लिए उसने खो दिया। ये मूवी हमें बता कर जाती है कि ग्रीड बहुत ही घटिया चीज है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।